बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दिस इज़ मी हबीबा डार एंड वेलकम टू माय चैनल। ऑनलाइन वर्क करके 5 से 10 मिनट में $5 से $10 कमाना कोई मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। बात सारी आती है जी हमने अर्निंग किस तरह से करनी है, किस तरह से $5 से $10 $3,000 जस्ट 10 मिनट में हम कमा सकते हैं, वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी स्कैम के, रिस्क के, एक ऐसे काम से जो कि हमारी पैदाइश से पहले से लेके अभी तक चल रहा है। मतलब कि कोई एप्लीकेशन की बात नहीं करनी, कोई ऐसी वेबसाइट की बात नहीं करनी जो कि फेक हो, चंद दिन के लिए चले, आपसे इन्वेस्टमेंट मांगे, जिसमें आपकी कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका तजर्बा रिक्वायर नहीं है। आप ऐसे काम करके 5 से 10 मिनट में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि काम दिल लगा के कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम कर लेंगे जी काम दिल लगा के, ऐसे प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ जी जिनके ऊपर आप इसी काम को, जो कि बच्चों वाला काम है, बच्चों को भी सिखाया जाए, वो भी कर सकते हैं, यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। आप इसी काम को यूटिलाइज करके लाइफ टाइम के लिए अर्निंग कर सकते हैं। रास्ता दिखाना मेरा काम है, मुकम्मल समझाना मेरा काम है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना दिल लगा के देखते हैं और उसके बाद कितना दिल लगा के इसको फॉलो करते हैं। बाकी चलते हैं जी आज की वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आपको जाके समझाने वाली हूँ, आप इसको लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं, पीसी पर भी कर सकते हैं, टैब पे भी कर सकते हैं, जहां पे आपको इजी लगे आप इसको कर सकते हैं। मुकम्मल आपको प्रूफ के साथ स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग समझाई जाएगी, तो लिहाजा अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। बाकी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी जिस स्किल के बारे में, जिस काम के बारे में, ऐसे काम के बारे में जहां से आप अच्छे खासे लाइफ टाइम कमा सकते हैं। उसके होंगे जी डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है। स्टेप इस तरह से होंगे कि मे बी आपने पहले इस टॉपिक पे वीडियो देखी हो, लेकिन जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरा मेथड है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक। तो लिहाजा आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो लिहाजा आपको समझ लगी होगी कि हमने इस काम को अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद दिल लगा के इस काम को करना है। पैसा इसमें बेशुमार है, बहुत सारे रस्ते हैं जहां पे आप इस काम को सेल कर सकते हैं, बच्चों वाला काम है, ठीक है। तो बाकी चलते हैं जी स्क्रीन के ऊपर और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें जी आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है, ना कि जो कोई अपवर्क है, ना ही ये फाइवर है, ना ही ग्यूरू है, ना ही पीपल पर और है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आके देखते हैं जी इस काम की डिमांड को, तो यहाँ पे देखें जी ये काम जो कि हमने कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जी इसकी डिमांड कितनी है, मैं आपको पहले नंबर पर वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें जी जस्ट एक पेज को, मतलब कि एक इस तरह का इमेज हमने उनको देना है, जैसा कि देखें आप बचपन में स्कूल जाते थे, हर फ्राइडे को आपकी ड्राइंग होती थी, ड्राइंग बुक आप बाय करते थे, उसके ऊपर आप कलर करते थे, बिल्कुल इसी तरह से हमने एक एक पेज बना के देना है जी ड्राइंग बुक का बच्चों के लिए। अब एक पेज की जो यहाँ पे डिमांड है जी आपके सामने है $10, मतलब के 3,000 PKR। अब यहाँ पे देखें जी देना किस फॉर्म में है, JPG की फॉर्म में, या फिर PNG की फॉर्म में, या फिर PDF की फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि आपने प्रिंट निकलवा के देना है, आपने जस्ट ऑनलाइन इसको ऐसे टूल यूज करने हैं जहां से आपने उठा के जस्ट इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है और आगे फॉरवर्ड कर देना है। अब यहाँ पे देखा जाए जी प्रीमियम में यहाँ पे $50 इस काम की डिमांड की जा रही है। तो अगर मैं आपको आगे जाके काम सिखाऊं तो आपको खुद पता चलेगा कि इस काम को करना कितना आसान है। बट फर्क यहाँ पे यही आता है कि जो लोग इस काम को दिल लगा के करते हैं वो यहाँ से अर्निंग करते हैं, जो दिल लगा के नहीं करते जस्ट यही कहते हैं कि हमने इस काम को सीखा है, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमें यहाँ से अर्निंग नहीं हुई। तो यहाँ पे हम बात करें जी दिल लगा के काम करने से मुराद ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात यहाँ एड़ियां रगड़नी है या फिर बहुत एफर्ट करनी है, जस्ट आपने कंटिन्यू होके, कंसिस्टेंट होके इस काम को टाइम देना है, जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूं उनको फॉलो करना है। अब यहां पे देखें जी आपके पास और भी बहुत सारे हैं, जैसा कि देखें एक ये पिक्चर है, उसका स्केच इस तरह से बनाया गया है। अब ये स्केच हमने खुद हाथ से ड्राइंग नहीं करना, आपको ऐसा टूल बताया जाएगा जहां पर आप कोई भी पिक्चर अगर आपका क्लाइंट आपको देता है, उसका स्केच बनवाना चाह रहा है, तो आप उसको अपलोड करेंगे, वो एक क्लिक में कन्वर्ट होके आपके सामने आ जाएगी। और इस काम के मिनिमम $10 डिमांड किए जा रहे हैं। काम अभी आपको करके दिखाऊंगी, आपको लग जाएगा पता कि काम कितना सिंपल है। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपनी मर्जी के कोई भी इमेजेस वहां पे अपलोड करेंगे पेज के ऊपर, उसको सेल करेंगे। अब अगर बात की जाए जी इस काम को करने के 3 मेथड हैं, मैं आपको तीनों बताने वाली हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके या फिर गूगल पे जाके प्ले स्टोर में एक ऐप इंस्टॉल करना है जी, जिसका नाम है इमेज सर्च मैन। अब आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है, यहाँ पे आके आपने लिखना है जी किड्स ड्राइंग कलरिंग बुक कवर पेज, ठीक है।
अब जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं जी, यहाँ पे देखिए हमारे सामने बेशुमार अभी जो मैंने आपको दिखाए हैं वो तो बिल्कुल सिंपल से हैं, उससे कई गुना खूबसूरत यहाँ पे आपको स्केचेस मिल रहे हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा है हाई क्वालिटी में। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखें आप ऐसी ही ड्राइंग्स पे बचपन में ड्राइंग करते रहे ना बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। ये देखें किसी भी किस्म का आप यहाँ पे इमेज उठा सकते हैं, हम अपनी मर्जी का किसी भी किस्म का यहाँ पे ड्रा भी करवा सकते हैं। यहाँ पे देखें कि मैंने इस एप्लीकेशन को डिमांड दी है जी मुझे बटरफ्लाई के पेंसिल स्केचेस चाहिए, तो यहाँ पे देखें जी इसने मुझे बहुत ही प्यारे किस्म के स्केचेस बना के दे दिए हैं जिनको मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ, डाउनलोड कर सकती हूँ और एक एक इमेज के $10, $5, $3 यहाँ से अर्निंग कर सकती हूँ। आपने क्लिक करके ओपन करना है जो आपको अच्छा लग रहा हो। मिसाल के तौर पर मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। अब फर्स्ट नंबर पर हमने इसको कर लिया जी डाउनलोड, ठीक है। अब हमने डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट वाला हो गया जी ये वाला प्रोसेस। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया बैक जाके, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे और भी इमेजेस हैं, मतलब कि आपने कोई भी इमेज यहाँ पे लेना है आपने जस्ट उससे रिलेटेड लिख देना है। अब अगर हमें क्लाइंट कहता है कि मुझे इसी को ही स्केच में कन्वर्ट करके दो, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन मैं आपको एक और ऐसा टूल बता दूँ जिसमें जाके हमने इन्हीं को कलेक्ट करना है, इनको वाइंड अप करना है और एक प्रॉपर फाइल बनानी है JPG PNG की फॉर्म में, तो उसको फिर हम सेल करेंगे, ऐसे ये सेल नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे आ गई जी प्ले स्टोर में आके मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए जिसका नाम है कैनवा। यहाँ पे आके आपके सामने कैनवा कुछ इस तरह से ओपन होगा जी। यहाँ पे आपने सर्च बार में आके यहाँ पे सॉरी नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है जी प्लस वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन नजर आ रहा है जी कस्टम साइज वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। पहले नंबर पे एक चीज आप त्वचा से सुन लें कि जो ड्राइंग की बुक होती है उसका स्पेसिफिक साइज होता है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 279 × 431, ठीक है, यही साइज होता है। आपने इसी को सिलेक्ट करना है और क्रिएट डिजाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें जी जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी उसके अकॉर्डिंग मेरे सामने बिल्कुल वही डिमेंशन का पेज आ चुका है। नीचे आपको लेफ्ट कॉर्नर में प्लस का बटन नजर आ रहा है जी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर वाला बटन नजर आ रहा है जी एलिमेंट्स वाला, ठीक है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे भी हमें बहुत सारे फ्री स्केचेस मिल जाते हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी आप खुद भी सर्च सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपको लाइन का स्केच चाहिए या फिर लेमन का स्केच चाहिए या फिर किसी फ्लावर का चाहिए, मतलब कि कुछ भी आप यहां पे सर्च करेंगे आपके सामने रिलेटेड स्केचेस आ जाएंगे। यहां पे देखें जी आपके सामने बहुत सारे स्केचेस आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं इसको यहां पे सिलेक्ट कर लेती हूं। यहां पे मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से समझ लग रही है। अच्छा, अब उसके बाद ये देखिए हमारा एक पेज रेडी हो चुका है। अब इतना सा काम था, हमने मजीद अगर पेजेस रेडी करने हैं तो हम करेंगे जी ऐसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी हम कोई भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये आपको मजीद रिकमेंड करना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखें मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब जिनके आगे प्रो नहीं लिखा हुआ आपने उनको जस्ट यूज़ करना है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ये देखें जी सेकंड पेज बन गया। अब जो हमने दूसरी एप्लीकेशन से उठाए थे, मिसाल के तौर पर जो मैंने सर्च इमेज मैन से डाउनलोड किए थे, आप यहाँ पे नीचे करेंगे जी स्क्रॉल। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जी गैलरी वाला, इसके ऊपर आपने जाना है और यहाँ से आपने अपनी गैलरी से वही इमेज उठाने हैं जो हमने अभी सेव किए थे। अब ये देखें जी हमारे इमेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं बहुत सारे जो हमने उसी एप्लीकेशन से डाउनलोड किए हैं। यहाँ पे हम करेंगे जी ऐड पे क्लिक और इसी तरह से हम इनको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इनका साइज कर लेंगे जी एडजस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इतना सा काम अभी आपको समझ लगी है, ठीक है, बाकी काम को आपने प्रॉपर समझना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं करती हूँ जी ये देखें मेरे तीन पेजेस यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। मैंने जितने भी पेजेस करने हैं मैं यहाँ पे रेडी करती जाऊँगी, कुछ मैं कैनवा से भी उठा सकती हूँ, इसके अलावा मैंने आपको जो पहले ऐप बताया वहाँ से भी उठा सकती हूँ, इसके अलावा फर्दर भी एक ऑप्शन है, ठीक है, वो आपके लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि उसमें हम किसी भी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं जी स्केच में। अब ये देखें जी आप इसको एज ए कवर पेज भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग बुक का फ्रंट वाला पेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी हमारी यहाँ पे मैंने तकरीबन 5-6 पेजेस के स्केचेस इकट्ठे कर लिए हैं। आप यहाँ पे 50, 100, 20, 30 जितनी मर्जी लंबी फाइल बनाना चाहे बना सकते हैं। अब जिनके आगे प्रो लिखा हुआ है उनको आपने यूज़ नहीं करना। बाकी देखें जी आपके सामने और भी बहुत सारे हैं, ये देखें आपके सामने बहुत सारे हैं, देखिए आप स्क्रॉल करते जाएं ये ख़त्म नहीं होंगे, आप फर्दर भी सर्च करें, फर्दर यूज़ करें। उसके बाद डाउनलोड करने के लिए आपने ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जी बटन डाउनलोड वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही JPG की फॉर्म में ये आपकी गैलरी में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, ये तो होगी हमारी सिंपल फाइल की बात। अब इन केस आपका क्लाइंट देता है जी आपको एक पिक्चर, मिसाल के तौर पर मैं आपकी क्लाइंट हूँ, आपके पास आई हूँ और आपको अपनी पिक्चर देती हूँ और कहती हूँ कि इसको स्केच में कन्वर्ट करके दो, ठीक है। अब उस काम को हमने किस तरह से करना है, उस काम के लिए हमें क्लाइंट ज़्यादा पे करेगा, तो उसके लिए आपने आ जाना है जी क्रोम के ऊपर। क्रोम के ऊपर आके आपने सर्च करना है जी फोटो फनिया, ठीक है। फोटो फनिया के सेम यही स्पेलिंग लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जी पेंसिल ड्राइंग वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें जी आपके सामने ऊपर आ रही है जी ड्राइंग। अब अगर आपने यहाँ पे अपनी फोटो को कन्वर्ट करना है स्केच में, तो यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जी चूज फाइल वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो चुकी है। देखें जी ये सारे वही स्केचेस हैं जो हमने कैनवा से बनाए हैं और हमारी गैलरी में सेव होके आ चुके हैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये आपके क्लाइंट की पिक्चर है, ठीक है, जो मेरे वाली है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, डन के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते हैं नीचे आपसे वो पूछ रहा है कि आपने इसको कलर फॉर्म में लेना है, वाइट फॉर्म में लेना है, इसके अलावा इसके एजेस फेड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है, आपसे पूछ रहा है। आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटिंग लगानी है। कलरफुल लेना है तो आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने ब्लैक एंड वाइट लेना है तो आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। और फेड एजेस का मतलब ये है कि जैसे ये देखें आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, साइडों वाले जो एजेस हैं वो इसी तरह से फेड हो जाएंगे, तो मैं इसी सेटिंग को ऐसे ही रहने देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे करना है जी गो के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पे देखें जी जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, जस्ट कुछ ही सेकंड में ये देखें बहुत ही कमाल का मेरा स्केच बन के आ चुका है, ठीक है। वही काम जो लोग पहले काफ़ी घंटे लगा के करते थे, अब जस्ट इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। अब इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे देखें जी आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपने लार्ज साइज में करना है, रेगुलर में करना है या फिर स्मॉल में करना है, तो आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि मुझे हाई क्वालिटी में चाहिए, तो मैंने इसको लार्ज पर क्लिक किया। अब देखें जी ये ऊपर डाउनलोड हो चुका है, ओपन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने आपकी गैलरी में वही इमेज आ जाएगा, वही स्केच आ जाएगा जिसको आपने जनरेट किया होगा। तो ये है जी हमारी छोटी सी स्किल, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी यहाँ से हमने अर्निंग कैसे करनी है, जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया है, जो फाइवर भी नहीं है, अपवर्क भी नहीं है, आपने वहाँ पे कैसे इसको सेल करना है। अब मैं दोबारा से चले जाती हूँ जी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब यहाँ पे देखें जी मैंने उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आके सर्च किया जी किड्स ड्राइंग बुक। हमारे सामने बहुत सारी बुक्स आ गई हैं। यहाँ पे देखें जी कुछ आपको कलरिंग शो हो रही हैं, आप कलरिंग भी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं फोटो फनिया में, नहीं तो अपनी मर्जी भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है केवर्क, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फाइवर पे हम पहले अकाउंट बनाते हैं, फिर गिग बनाते हैं, फिर यहाँ पे हमें ऑर्डर आते हैं। लेकिन ये कि ये फाइवर से ज़्यादा अच्छा है बिगनर के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी कंपटीशन थोड़ा है, काम करने वाले कम है, करवाने वाले ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी आपको ये शो हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो कि यही काम कर रहे हैं। अगर आपने के वर्क के ऊपर इसी स्किल को सेल करना है, यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है A to Z, फर्स्ट स्टेप से लेके एंड तक, मतलब के अकाउंट बनाने से लेके विड्रा तक सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल रहा है, एंड स्क्रीन पे और कार्ड पे भी वो वीडियो मिल जाएगी। काम आपने सीख लिया है, अब इस काम को आपने दिल लगा के करना है, उस पर अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना के सो नहीं जाना। आप इसी स्किल को अमेजोन पे भी सेल कर सकते हैं, अगर आपका अमेजोन का अकाउंट बना हुआ है। आप इसी को अपवर्क पे भी सेल कर सकते हैं, फाइबर पे भी सेल कर सकते हैं, यूरू पे भी सेल कर सकते हैं, पीपल पर और पे भी, मतलब कि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। इवन कि आप इसको इट से, ठीक है, इट से का आपने सुना होगा, इट से के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसी इमेज के $50 $100 भी मिल जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट से USA से लोग आते हैं इन्हीं इमेजेस को बाय करने के लिए। केवर्क के साथ साथ आप इसको अमेजोन पे दिल चाहे, फाइबर पे दिल चाहे, अपबुक पे दिल चाहे, यूरू पे अगर आपका अकाउंट है, पीपल पर और पे अकाउंट है, बाकी जो मैंने प्लेटफॉर्म नाम लिया है इनके ऊपर अगर आपका अकाउंट है, इनमें से किसी पर भी सेल करना चाह रहे हैं, तो उनकी मुकम्मल डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे भी इसी स्किल को सेल कर सकते हैं। तो बाकी ये है जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बेसिकली मेन टारगेट रखा है आपको काम सिखाने का, बाकी मैंने आप पे ही छोड़ दिया है कि आपने इसको कहाँ पे करना है। जहाँ पे आपको इजी लगे, जहाँ पे आपको समझ लग जाए, आप उसी प्लेटफॉर्म पे दिल लगा के करें, लाइफ टाइम के लिए अच्छे खासे पैसे कमाएं। तो ये है जी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।